नमस्कार दोस्तों, ऑल टी टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। के पाठक अपर मुख्य सचिव साहब के तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में महाशय, यह पाया गया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, टोला सेवकों इत्यादि की प्रतिनियुक्ति चुनाव संबंधी कार्यों मुख्यतः BLO इत्यादि में लगाई जा रही है। शिक्षा विभाग अवगत है कि बिना शिक्षा विभाग के कर्मियों के सहयोग के जिले में चुनाव का काम नहीं हो सकता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग आपसे केवल यह अनुरोध करना चाहता है कि यदि आप शिक्षकों, टोला सेवकों इत्यादि का चुनाव संबंधी कोई भी ड्यूटी लगाते हैं तो उन्हें संध्या 5 बजे के बाद ही चुनाव संबंधी कार्य हेतु योगदान करने को कहें, ताकि 5 बजे तक विद्यालय का कामकाज जो है बाधित ना हो। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि चुनाव का कार्य करने हेतु उन्हें अलग से मानदेय मिलता है, अतः उन्हें इस चुनाव कार्य के लिए अतिरिक्त घंटे काम करना पड़े तो उक्त कर्मी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः आप जब भी शिक्षा विभाग के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाएं तो यह ध्यान रखें कि प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक की विद्यालय अवधि बाधित ना हो। चुनाव संबंधी कोई भी कार्य संध्या 5 बजे के बाद किया जाना उचित प्रतीत होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से के पाठक जी का ये फरमान है और इसको शिक्षक मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इस प्रकार से अभी लेटर जारी किया गया है जो आप सभी के सामने में है। चुनाव को लेकर के सभी को पता है कि ज़्यादातर काम जो है वो शिक्षक ही करते हैं, और शिक्षक यदि काम में लग जाएंगे तो स्वाभाविक है कि विद्यालय का पठन पाठन जो है वो बाधित होगा। तो इसको लेकर के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने पहले ही अवगत करवा दिया है कि हमारा पठन पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। जो विद्यालय का समय अवधि है उसके बाद आप अपने काम में लगाइए, तो उनको कोई एतराज नहीं है। यहाँ पर ध्यान आकर्षण एक तरफ से किया गया है। आप बने रहिए ऑल टी टी तैयारी चैनल के साथ। पल पल के अपडेट आप सभी को देता हूँ, देता रहूँगा, विश्वास दिलाता हूँ। पर शिक्षक का मानना है कि हमें इससे अलग ही रखा जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम पठन पाठन पर ही ज़्यादातर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूंगा तो ये अच्छा रहेगा, ये शिक्षक का मानना है। आगे क्या होता है नहीं होता है ये तो समय ही बताएगा, पर अभी की ये सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए शिक्षा विभाग से।